स्किजोफ्रेनिक स्टेट से, मानसिक अवसाद। स्किजोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक अवसाद है जिसमें कि आपका केमिकल इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एंड यू आर प्रिटेंडर, यू आर नॉट द रियल पर्सन। यू कैन बी अ फ्यूरियस पर्सन, बट यू आर लाइक यू आर नॉट अ फ्यूरियस फ्रॉम इनसाइड। किसी को बादल में भगवान दिख सकते हैं, किसी को आसपास ऊर्जा महसूस हो सकती है, किसी को कोई भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर आवाजें सुनाई दे सकती हैं, किसी को कुछ और हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये तंत्र में होता नहीं है, मैं ये कहता हूं कि आप ही से सब कुछ जा रहा है, आप ही से सब कुछ बाहर आ रहा है, आप ही से सब कुछ अंदर आ रहा है। दो तरह के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर आपकी ये बॉडी है और सूक्ष्म शरीर आपके प्राण है। सूक्ष्म शरीर आपके प्राण है, तो प्राण जो है जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा आपके अंदर प्रस्फुटन होता है प्राण ऊर्जा का, तो एक स्टेज आती है हर एक साधक की लाइफ में जिसमें कि उसको मानसिक अवसाद काइंड ऑफ थिंग आती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बहुत सारी निगेटिविटी होती है इकट्ठी हुई हुई, वो बाहर आती है। वो बाहर आने के बाद में आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें कि आपने अपनी कल्पना का एक घर बनाया होता है, कल्पना की एक दुनिया बनाई होती है, और वो साकार होने लगती है, और वो साकार करती है आप ही की ऊर्जा। और हमें इसको पार करना है। अगर किसी की जिंदगी में स्किजोफ्रेनिक स्टेट्स आ रही हैं तो हमें इसको पार करना है। स्किजोफ्रेनिया है क्या? स्किजोफ्रेनिया है अपनी कल्पना की दुनिया में रहना। कुछ भी आपके सामने कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ फील होता है, और वो ही स्किजोफ्रेनिया ही पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्किजोफ्रेनिक स्टेट्स में अपने ऊर्जा का पूरा रूपांतरण कर लिया, और यहीं पे गुरुओं की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मंत्र साधना आप कर जरूर लेते हैं पर आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस जगह पे आके आप फंस जाते हैं। यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।